हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने जो अपना चैप्टर चल रहा था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें 7.1 के क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, जिसमें बेसिक जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग था उसके साथ कुछ लॉजिक भी अपन ने अलग अलग देखे थे। जैसे वो मोबाइल नंबर वाला क्वेश्चन था जिसकी स्टार्टिंग 6-7 से होने वाली थी, तो इस टाइप के कुछ लॉजिकल क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व किए थे। और जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें मैंने आपको परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड फैक्टोरियल के बारे में भी थोड़ा सा बताया था, है ना। फिर मैंने बोला था फैक्टोरियल की जो डिटेल है वो अपन चैप्टर जो अपना 7.2 आएगी एक्सरसाइज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में उसके साथ स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज जो 7.2 है वो बेसिकली फैक्टोरियल जो आपके पास नोटेशन होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में अपन क्रम गुणित बोल सकते हैं, उसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो फैक्टोरियल का मतलब इन्वेंशन किस तरीके से हुआ, जैसे जैसे कभी अपने को जो लाइन से जो नंबर्स आ रहे हैं जैसे 5, 4, 3, 2, 1, इनका बार बार क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने एक साइन बनाया कि 5, 4, 3, 2, 1 अप टू कहाँ तक आ रहा है, 1 तक आ रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अपन इस पूरी टर्म को किसी एक चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन, फैक्टोरियल 5, ठीक है। या फिर कई बुक्स में आप देख सकते हो आपको ऐसे जैसे अपन एंगल का साइन बनाते हैं ऐसे करके फैक्टोरियल 5 ऐसे भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो नोटेशन है, ये वाला साइन और ये वाला साइन दोनों किसके हैं, फैक्टोरियल के साइन है, क्रम गुणित के ही साइन है, ठीक है। और जब भी अपन वैल्यू लिखते हैं, जैसे फैक्टोरियल 5 की वैल्यू मैंने लिखी है 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अप टू 1 तक आता है, ठीक है ना। जैसे सपोज आपको लिखना है फैक्टोरियल 10 के लिए, 10 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखनी है, तो क्या लिखोगे, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अप टू 1 तक आएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी आपके पास नेगेटिव नंबर बना है फैक्टोरियल में, है ना, तो वो डिफाइन नहीं है। मतलब कोई भी नंबर आपके पास बना है वो क्या आपके पास नेगेटिव है, उसका अपन क्या निकालना चाह रहे हैं फैक्टोरियल, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। या फिर फैक्टोरियल के अंदर 1/4 या 1/2 ऐसा कोई नंबर बना है तो इनका भी अपन फैक्टोरियल P/Q की फॉर्म में जो होंगे उनका फैक्टोरियल फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पे फैक्टोरियल का जो फॉर्मूला बन रहा है उससे अपन देखते हैं कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू आपके पास क्या हो सकती है, ठीक है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, या फिर किसी भी 2 या 3 मतलब अपने पास फैक्टोरियल आ जाएंगे तो उनको कैलकुलेट कैसे करेंगे, है ना। तो बेसिक जो रूल है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए कि फैक्टोरियल 5 को आपने लिखा था 5 × 4 × 3 × 1, तो ये फैक्टोरियल 5 बना, है ना। तो अगर मैं फैक्टोरियल 4 की वैल्यू को कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। अब ये 5 फैक्टोरियल की वैल्यू है और ये 4 फैक्टोरियल की वैल्यू है। अगर 5 फैक्टोरियल की वैल्यू को, 5 फैक्टोरियल की जो मेरे पास वैल्यू है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो अगर मैं उसको ऐसे लिखूं 5 × 5 × फिर क्या है 4, 3, 2, 1, तो 4, 3, 2, 1 मल्टीप्लाई में किसकी वैल्यू है, 4 फैक्टोरियल की। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन कि 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 × फैक्टोरियल 4, क्लियर हो रही है ये चीज़, है ना। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, ये आपको बेसिकली कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अब मुझे लिखना है यहाँ पे, अब देखो बार बार मेरे से ये साइन तो बनेगा नहीं, है ना, तो मैं यही वाला साइन बनाता हूँ। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। अब उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये किसकी वैल्यू है अपने पास, फैक्टोरियल 4 की। तो फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं अपन 5 × फैक्टोरियल 4, ठीक है। या फिर अगर अपने को किसी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ रही है कि आपको 5 भी लिखना है और मल्टीप्लाई में 4 भी लिखना है, फिर आगे फैक्टोरियल 3 चाहिए, तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है, 3, 2, 1। तो जहाँ पे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होती है ना, कैलकुलेशन के हिसाब से आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपको ब्रेक लगाना है, कहाँ पे आपको ब्रेक लगाना है। तो फैक्टोरियल 5 की जो वैल्यू है उसको मैं 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 भी लिख सकता हूँ, या फैक्टोरियल 5 को मैं 5 × फैक्टोरियल 4 भी लिख सकता हूँ, क्लियर है इतनी चीज़। अब इसको काम में लेके अपन फॉर्मूला बनाते हैं। देखो यहाँ अगर 5 की जगह अगर अपन n रख के बात करें, ठीक है ना, n के लिए बात करें कि फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या होगी, तो मैं इसे लिख सकता हूँ n × फैक्टोरियल n-1।
है ना, जैसे 5 के लिए बात कर रहे हैं तो क्या हुआ 5 इंटू फैक्टोरियल 4, 5 में से एक कम, n के लिए बात करेंगे तो फैक्टोरियल n इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस 1, क्लियर है। अब इसी में सपोज आपको फैक्टोरियल n माइनस 1 से अगला स्टेप चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो सकता है 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 भी हो सकता है, तो इसको अपन ज़रूरत के हिसाब से आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो जैसे n है तो फिर इससे नेक्स्ट टर्म में क्या होगा एक कम होगा, जैसे 5 है तो 5 से कम क्या होगा 4, तो 4 से कम क्या होगा 3, है ना। तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई में फिर क्या आएगा n माइनस 2, तो वहाँ पे फैक्टोरियल लगा के अपन वहाँ पे ब्रेक लगा सकते हैं, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो बेसिकली अगर आप देखो तो आपके पास फॉर्मूला बन चुका है फैक्टोरियल n की वैल्यू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास आएगा कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं y, y फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू आपके पास 1 क्यों होती है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये आपके पास जो फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक है ना, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है, 2 की आपको पता ही है 2 इंटू 1 हो जाएगी, ऐसे 3 के लिए करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, अप टू 1 तक सबका मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल 0 की बात करते हैं, मैंने बताया था नेगेटिव और रेशनल जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बनेगा उनका फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो फैक्टोरियल 0 आता है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है ना, तो इसके बारे में बात करते हैं वाई। तो फॉर्मूला अपना था फैक्टोरियल एन इक्वल टू एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 1, क्लियर। अब पुट एन इक्वल टू 1, पुट एन इक्वल टू 1, इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू 1 पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो फैक्टोरियल 1, 1 इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 1 है तो 1 माइनस 1 बनेगा, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है, फिर 1 और यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या बन गया फैक्टोरियल 0। अब ये 1 मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में आएगा, ठीक है, 1 अपॉन 1, तो 1 अपॉन 1 क्या होता है 1 ही होता है। तो देखो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू अपने आप ही क्या आई है बनाई है, तो ये ध्यान रखना, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनेगा, जहाँ पे आपको क्वेश्चन में ब्रेक लगाना है वो क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा फैक्टोरियल का, ठीक है। अब इस पे बेस जो अपने पास एक्सरसाइज है 7.2 उसको कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत ही नॉर्मल से इजी क्वेश्चन बनेंगे, कुछ अजीब नहीं है उसमें, है ना। तो मैं फटाफट कंप्लीट करवा देता हूँ, फिर कल की क्लास में अपन 7.3 के बारे में बात करेंगे जहाँ पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है उसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है फैक्टोरियल 8 की, और फिर आपसे बोला हुआ है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, बोले इनको इवेल्यूएट करो, इनकी वैल्यू बताओ, ठीक है। तो फैक्टोरियल 8 के लिए तो सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, ऐसे लिख लो, या फिर मैं नॉर्मली ऐसे लिखता हूँ तो ऐसे लिख लेता हूँ। 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, कैलकुलेट कर लो जो भी वैल्यू आए वहाँ पे लिखनी है, सिंपल है, 8 से लगाकर 1 तक का मल्टीप्लाई करना है बस, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो अब कई स्टूडेंट गलती करते हैं, जैसे नॉर्मल अपन 4 माइनस 3 1 करते हैं तो वो सोचते हैं कि भाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 है तो फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 4 की बात करें तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अगर आप कॉमन लेके करना चाहो या तो अलग अलग कैलकुलेट कर लो, जैसे 4 को 3 से करा तो क्या 12 इंटू 2 24 माइनस 3 इंटू 2 6, तो ये 18 आ जाएगा। या फिर दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि 3 2 1 3 2 1 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 3 2 1 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आया 4 माइनस 1 4 माइनस 1, तो ये क्या हो गया 6 इंटू 3, तो क्या बना 18। या फिर और अच्छे तरीके से करना चाहो, ठीक है, तो ऐसे क्या लिख सकते हो फैक्टोरियल 4 को 4 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 3, है ना, ये ऐसे ही लिख लेता हूँ मैं, साइन में कन्फ्यूज मत होना, ठीक है, दोनों साइन बना सकते हो। तो फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 3, क्लियर है। तो अब दोनों में क्या कर सकते हैं अपन, फैक्टोरियल 3 को कॉमन ले सकते हैं तो क्या आया 4 माइनस 1, तो फैक्टोरियल 3 इंटू 3 बना, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3, तो ये क्या बना 6 इंटू 3, तो ये क्या बना 18। अगेन वही रिपीट हो रहा है, सेम आंसर आ रहा है, क्लियर है। तो इस तरीके की सिंपल प्रॉब्लम है, तो आप मेरे हिसाब से कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस जो फैक्टोरियल का बेसिक नॉलेज था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो फटाफट आगे के क्वेश्चन और कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट
आपसे पूछा है कि फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 7 है क्या, मतलब ट्रू है क्या, ऐसा होता है? सीधी सी बात है, नॉर्मल कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते फैक्टोरियल में, ये कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो देखो पहले LHS को सॉल्व करते हैं फिर RHS को करेंगे, ठीक है। तो LHS में आपके पास क्या है, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस फैक्टोरियल 4 की 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6 इंटू 4 24, तो ये कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा। बट इक्वल में आपको क्या है 7 फैक्टोरियल गिवन, तो क्या हुआ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आने वाली है। ये कितना हो गया, 6 को 5 से करेंगे तो 34 को 3 से करेंगे तो 12 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना हो गया 14, 7 को 2 से करा तो 14, 7 को 2 से 14 और ये 360, इसको और मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगी वो बहुत बड़ी आने वाली है, क्लियर है। तो ये दोनों सीधी सी बात है कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो LHS इक्वल टू नॉट इक्वल टू सॉरी RHS, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 है तो वो तो 30 बना। अब फैक्टोरियल 7 के लिए जब अपन वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये देख रहे हो आप बहुत बड़ी बन गई, 30 से तो बहुत बड़ी है, ठीक है ना। तो ये बताना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देख लो एक बार वीडियो कंप्लीट, ठीक है, समझ आ जाएगा। फिर आप खुद से एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेना सारे। फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 8 को क्या लिख सकते हैं अपन, 8 इंटू 7 इंटू 6। अब देखो क्वेश्चन में मैंने बोला था ना, क्वेश्चन में पता चलेगा आपको कहाँ ब्रेक लगाना है, ऐसे तो पूरा सॉल्व कर दो बोली 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बट आपको पता है कि फैक्टोरियल 6 डिवाइड में भी है, फैक्टोरियल 6 डिवाइड में भी है, इंटू 2 फैक्टोरियल है। तो मैंने 8 को ओपन करा दो स्टेप, 8 7 और 6 पे ब्रेक लगा दिया, तो फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 6 क्या हो जाएगी कैंसिल, तो यहाँ पे आया 8 इंटू 7 और डिवाइड में फैक्टोरियल 2 है तो 2 इंटू 1, ठीक है, इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा 28, 7 को 4 से कर देंगे, क्लियर। नेक्स्ट थोड़ा सा फोर्थ क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, उसमें गिवन आपको फैक्टोरियल 6, 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, ठीक है, फिर आपके पास है प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड x, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि सबसे कम वैल्यू किसकी है, फैक्टोरियल 6, फिर क्या है 7, फिर क्या है 8, तो 7 को आगे बढ़ा के 6 बना सकते हैं और 8 को भी दो स्टेप आगे बढ़ा के 6 बना सकते हैं अपन, क्लियर है। और x की वैल्यू बतानी है तो ये एज इट इज़ रहेगा, प्लस 1 अपॉन यहाँ पे क्या है फैक्टोरियल 7, तो क्या लिख सकता हूँ मैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, क्लियर है। मैंने बोला था ना क्वेश्चन आती समझ में आ जाएगी कहाँ पे ब्रेक लगाएं, ठीक है। अब क्या 8 फैक्टोरियल है तो क्या लिखा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, अब देखो 6 फैक्टोरियल मतलब LHS और RHS दोनों में, ठीक है, तो अपने को क्या करना चाहिए, 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है ना, 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 को, एक मिनट सॉरी ये साइन मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, तो 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल को कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहेगा, क्या बचेगा 1, ठीक है, प्लस, तो यहाँ पे 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 को ले लिया तो क्या आ गया 1 अपॉन 7, क्लियर, इक्वल टू, अब इधर से भी मैं क्या करता हूँ 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा x अपॉन 8 इंटू 7, एक्स अपॉन 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 को मैंने बाहर लिख लिया, तो अब ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास कैंसिल, क्लियर है। अब सिंपल से फैक्टोरियल कैंसिल होते हैं अपन x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा 8 अपॉन 7 और x अपॉन 8 इंटू 7, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 7 को भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में आएगा, तो क्या बनेगा 8 इंटू 7, ये इधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वल टू क्या बनेगा 7x, ऐसे कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 इंटू 8 इंटू 7 इक्वल टू 7x, तो 7 भी कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू 8 इंटू 8 क्या आ जाएगी 64,
एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 64। क्लियर है, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन था वो थोड़ा सा क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से क्या था, ठीक था, बाकी तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसी में नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n और r की वैल्यू आपको गिवन है। बेसिकली ये देखा जाए तो फॉर्मूला बनेगा आपके पास एन पी आर का, ठीक है ना। एन पी आर और एन सी आर क्या होते हैं तो उसकी डिटेल में बात करेंगे अभी अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट केस में आपको एन गिवन है 6 और आर गिवन है 2, ठीक है, और सेकेंड केस में एन गिवन है 9 और आर गिवन आपको 5। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए अगर अपन कैलकुलेट करें तो एन की वैल्यू में 6 पुट करता हूँ और 6 माइनस आर 6 माइनस 2 है ना, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 2 क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 4। उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6 इंटू, यार मैं साइन ना बार बार कभी ये बना रहा हूँ कभी ये बना रहा हूँ तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ ये बनाने की क्योंकि बुक में यही बनाया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा मैं ऐसे बनाता हूँ तो थोड़ा कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है ना। 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 6 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 30। क्लियर, तो ऐसे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इस फॉर्मूले में पुट करना है। जैसे 9 के लिए करना है तो फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 माइनस आर, मतलब n माइनस आर है तो 9 माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 माइनस 5 आ जाएगा 4। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे अपन, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, तो इन दोनों कैंसिल करके इन सब को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, अब ये जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना वहाँ पे आपके पास जो परम्यूटेशन है उसका कॉन्सेप्ट बनता है। मतलब अगर n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट्स को आपको क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है ना। n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को आपको क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है ना। तो उसमें अपन फॉर्मूला लगाएंगे एन पी आर का, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ मैं, ये जो फॉर्मूला बने उससे मुझे याद आया, वैसे आपकी 7.2 है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो यही थी जो इतने दिनों के बाद में बहुत इजी सी एक्सरसाइज आई थी, ठीक है ना। तो इसको तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है, फैक्टोरियल के बारे में है केवल, ठीक है। तो एक होगा आपके पास एन पी आर।